स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन में, जहां पर हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए विभिन्न बिंदुओं के आधार पर वीडियो का निर्माण करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बीएड के संबंध में होने वाले एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो कई दिनों से एक डेट शीट जो कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा द्वारा जारी हुई है की कॉपी अक्सर व्हाट्सएप ग्रुपों में आ रही है। इस संबंध में बहुत से विद्यार्थियों ने फ़ोन कॉल भी किए हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी किए हैं, टेक्स्ट मैसेज भी आया है कि ये कौन सी डेट शीट है। तो यहाँ इन सभी तरह की बिंदुओं पर एक बार हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो डेट शीट है ये बीएड में उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी रीअपीयर आई हुई थी, यानी कि जिनका बीएड फर्स्ट ईयर बीएड सेकंड ईयर में किसी भी कारण से कोई रीअपीयर पेपर रह गया है, उस रीअपीयर पेपर की ये डेट शीट है। आप इसमें ये देख सकते हैं कि यहाँ ये बताया भी गया है कि ये जो डेट शीट है आप ये देख लीजिए इस कॉलम में कि बीएड जनरल एंड स्पेशल बीएड फर्स्ट एंड सेकंड ईयर रीअपीयर, यानी कि ये जो डेट शीट है ये केवल और केवल रीअपीयर कैंडिडेट के लिए ही बनाई गई है, यानी कि जिनका एक पेपर जो है वो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में ड्यू है। अब इस डेट शीट को अगर हम और स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एलएलएम के विद्यार्थियों का है 8 जुलाई को, उसके बाद में 9 जुलाई को पीएचडी कोर्स वर्क का है, 10 जुलाई को एमएससी केमिस्ट्री पीएचडी कोर्स वर्क और 12 जुलाई को फिर एलएलएम एमएससी पीएचडी कोर्स वर्क। तो आप इनमें ये देख सकते हैं कि इसमें ये जो ज़्यादातर पेपर जो हैं वो या तो कोर्स वर्क के हैं या फिर ये मास्टर डिग्री के पेपर हैं। इसी में अगर हम लगातार चलते रहें तो ये देख सकते हैं 19 तारीख को फिर कोर्स वर्क का, 20 तारीख को फिर एलएलएम और पीएचडी का। ये पीएचडी का जो कोर्स वर्क होता है उससे संबंधित ये पेपर हैं। इसी में आप जब और आगे जाएंगे तो आप ये यहाँ देख सकते हैं कि 28 जुलाई 2021 को, यहाँ 28 जुलाई 2021 को एक ही दिन में बीएड के जो पेपर हैं वो सारे के सारे करवाए जा रहे हैं। इस दिन एलएलएम का मॉर्निंग सेशन में पेपर है, ठीक इसी तरह इवनिंग सेशन का बीएड फर्स्ट ईयर फॉर बैच 2015 एंड ऑनवर्ड चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो आप ये स्पष्ट समझ जाएंगे कि एक ही दिन में कंपलसरी पेपर जितने भी हैं उन सभी के पेपर यहाँ दिखाए जा रहे हैं 28 तारीख को। आप ये देख सकते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, सेकंड पेपर जो है वो कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, थर्ड पेपर जो है वो टीचिंग एंड लर्निंग, और इसी तरह आप इसमें देख सकते हैं कि जो बाकी पेपर हैं जैसे ये आप इसमें देख सकते हैं कि बीएड जनरल एंड स्पेशल फॉर बैच 10 एंड ऑनवर्ड टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ऑफ पंजाबी। तो ये सभी जो पेपर हैं ये यहाँ देखिए टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ऑफ पंजाबी, उसके बाद में टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। तो ये जो पेपर हैं ये सारे के सारे पेपर एक ही दिन में हो रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन पेपर की जो डेट दी हुई है वो सेम डेट दी हुई है 28 तारीख, और एक ही दिन में सारे के सारे पेपर जो है वो नहीं करवाए जा सकते। इसलिए चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में जिस विद्यार्थी का एक पेपर आता है वो रीअपीयर में काउंट किया जाता है। तो एक ही दिन में ये सारे के सारे रीअपीयर के जो पेपर हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें दिए हुए हैं। ये देखिए 28 तारीख को, 28 जुलाई को चाइल्डहुड ग्रोइंग अप, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ऑफ पंजाबी, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, टीचिंग ऑफ होम साइंस, टीचिंग ऑफ कॉमर्स, टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस, टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये सारे के सारे पेपर जो हैं वो एक ही तारीख को, यानी कि ये 28 तारीख को दिए हुए हैं। इस आधार पर आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये जो डेट शीट है ये रेगुलर स्टूडेंट की नहीं हो सकती, क्योंकि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर के 4 कंपलसरी पेपर हैं और उसके अलावा सब्जेक्टिव
जो हैं वो दो पेपर होते हैं आर्ट कॉमर्स साइंस में भी मेडिकल और नॉन मेडिकल। तो इस संबंध में जो पेपर हैं वो अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग दिन होते हैं, जबकि यहाँ एक ही दिन में सारे के सारे पेपर करवाए जा रहे हैं। इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि ये जो डेट शीट है ये केवल और केवल रीअपियर कैंडिडेट के लिए ही जारी की गई है। तो इसके बाद में इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि बीएड सेकंड ईयर का जो पेपर है वो पेपर भी यहाँ इन्होंने दिया हुआ है। आप ये देखिए कि इसी डेट शीट में नेक्स्ट पेज पे जब हम जाते हैं तो ये 30 तारीख को यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, ये 30 तारीख को यहाँ इन्होंने दिया। तो 30 तारीख को आप इसमें देख सकते हैं नॉलेज एंड करिकुलम क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन योगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन। ये सारे के सारे पेपर जो हैं वो एक ही दिन में करवाए जा रहे हैं। तो यानी कि ये जो डेट शीट है ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये डेट शीट केवल और केवल रीअपीयर कैंडिडेट के लिए है, यानी कि जिनका बीएड के सभी पेपरों में से केवल एक पेपर जो है वो ड्यू रह गया हो ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए ये डेट शीट जो है वो जारी की गई है। तो इस डेट शीट से आप ज़्यादा भ्रम में न रहें, जैसे ही इस संबंध में आपके एनुअल एग्ज़ाम रेगुलर जो हैं उनके फ्रेशर एग्ज़ाम की डेट शीट आएगी वो आपको यहाँ बता दी जाएगी। और ये डेट शीट जो है वो 2/7/2021 को जारी की गई है। डेट शीट जारी करने की आप यहाँ डेट देख सकते हैं कि ये 2 जुलाई 2021 को डेट शीट जारी की गई है। और ये डेट शीट जारी की गई है सिरसा से। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इसमें कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम जो है वो इनके जो जारी करने वाले हैं। तो इस प्रकार ये जो डेट शीट है ये रेगुलर कैंडिडेट के लिए नहीं है, बल्कि ये डेट शीट जो रीअपीयर के कैंडिडेट है उनके लिए तैयार की गई है। तो किसी भी तरह की भ्रांति से बचने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि जो अनावश्यक रूप में स्टूडेंट इस चीज़ से एक तरह से चिंतित हो रहे हैं कि इतने जल्दी पेपर हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप अपनी तैयारी कीजिए, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और आप अच्छे से अंक जो है वो ले पाएंगे। किसी भी तरह की भ्रांति से बचने के लिए आप सभी के लिए हमने इस वीडियो का निर्माण किया है। तो इस वीडियो को हो सके तो आप कुछ ग्रुपों में सेंड कर दीजिए ताकि विद्यार्थियों में किसी भी तरह की कोई नासमझी है वो न बनी रहे। ये आप देख सकते हैं कि बीएड जनरल स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है रीअपीयर, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ बीएड जनरल स्पेशल के उन सभी स्टूडेंट के लिए हैं जिनकी के बीएड में रीअपीयर आई हुई है।